सर अपने अधिकार के लिए बैठे सर, हमारी इतने नियुक्ति के लिए बैठे सर, जो रोडवेज परिवहन निगम में हमारे पिता खत्म हो गए, इतने धूप में बैठ रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं, ये क्या इन लोगों के बच्चे नहीं है ये बताइए। ये कहने का पहले भी हम लोग ने धरना दिया था तो मंत्री जी आए थे, भाई उस समय तो टोन अलग थी, इस समय टोन अलग है। मंत्री साहब ने ये भी तो कहा था नेता बनो और जो है जाओ घर, नौकरी छोड़ दो। परिवहन मंत्री से मिल के दोबारा हम लोग आए हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, अभी भी यही कहा जा रहा है कि आश्वासन मिलेगा आपको। और जो है ये लोग तो भाई बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं, हम तो 2 साल हुआ है हमारा तो 2 साल, और अब इन लोगों के साथ हम भी आए हैं, जो है इन लोगों का संघर्ष देख के हम कहते हैं बताओ इतना दिन इन लोगों को जब नहीं मिल रहा है तो हमको कहाँ मिलेगा, तो भाई साथ में इनके रहेंगे ही। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय का मुख्य गेट 18 जून से प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए मृतक आश्रित नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। सोमवार को विभाग के प्रबंध निदेशक ने प्रदर्शनकारियों से बात की और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारी लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नौकरी का आश्वासन बीते कई सालों से मिल रहा है लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस विभाग में नौकरी पाने के लिए 1000 से अधिक मृतक आश्रित कई वर्षों से भटक रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सर अपने अधिकार के लिए बैठे सर, हमारी इतने नियुक्ति के लिए बैठे सर, जो रोडवेज परिवहन निगम में हमारे पिता खत्म हो गए सर, 1 साल के भीतर हमारे यहाँ 2 खत्म हो गए, मेरे भाई और मेरे पिता। अब मैं घर पे अकेला हूँ, मेरी 2 बहनें हैं और मेरी माताजी की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, कल रात को मेरी माताजी की तबीयत ख़राब हो गई सर, बताओ मैं यहाँ पड़ा हूँ, माताजी को देखने कौन जाएगा बताइए, यहाँ किसी सर, यहाँ हम 6-7 दिन से बैठे हैं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है सर, धूप में देखो इतनी धूप में बैठ रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं है, क्या इन लोगों के बच्चे नहीं है ये बताइए, क्या हमारे पिता ने यहाँ विभाग में नहीं, आज जो है अभी आपके साथी बता रहे थे कि MD से कुछ बात हुई है, क्या कहा है? बात क्या सर, आसवानी देते रहते हैं, बस हो जाएगा ऐसा हो जाएगा सर, हम 2004 साल सुनते, 5 साल हो गए सर, ना कोई सुनने वाला नहीं है बिल्कुल, आप बताइए हमारी माताजी तबीयत खराब है। किस पद पे थे आपके? मेरे पिताजी शायद मैकेनिक थे, कड़ी धूप में मेहनत करते थे, लेकिन यहाँ देखिए आज मैं यहाँ कड़ी धूप में बैठा हूँ, पहले वो कड़ी धूप में मेहनत करते, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं, जबकि मैं परिवहन निगम के कर्मचारी का ही बच्चा हूँ, इन्हीं लोगों का बच्चा हूँ, इस हिसाब से मानना चाहिए इन लोग को, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, बाहर कोई मिलने तक नहीं आता है, देख आते हैं और चले जाते हैं, जैसे यहाँ मैं इग्नोर करके चले जाते हैं, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल सुनने वाला ही नहीं, यहाँ से लगा आत्मा मर गई इन लोगों की। ये कहने का पहले भी हम लोग ने धरना दिया था तो मंत्री जी आए थे, मंत्री जी ने ये तब कहा था कि भाई 31 मार्च के बाद आप लोग उम्मीद करिए, आप लोग हम लोग से मिलिएगा, हो जाएगा जहां तक है ना, तो अगर 31 जुलाई को बैलेंस शीट जमा होनी थी तो परिवहन मंत्री ने उस समय 31 मार्च का नाम क्यों लिया था, डायरेक्ट 31 जुलाई का नाम लेते हैं भाई, उन्होंने उनका चुनाव था, उन्होंने उस समय हटवा दिया सबको कि हाँ ठीक है जाओ, ठंडा करा दिया मामला, अब तुम कह रहे हो कि आप सांसद बनो विधायक बनो, भाई उस समय तो टोन अलग थी, इस समय टोन अलग है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। और दूसरी चीज सर, यहां से 15-20 साल से यहाँ की लड़ाई लड़ी जा रही है राजकीय घोषित करने की, आप राजकीय घोषित कर दो, ये सब बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस ये सब बवाल ही खत्म हो जाएगा, तुरंत नियुक्ति हो जाएगी। नहीं लेकिन मंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि आप लोगों को नौकरी मिलेगी, मिलेगी तो वो 5 साल से कह रहे हैं, हर कोई मंत्री बनता है वो तो कह रहता है कि भैया नियुक्ति मिलेगी मिलेगी, इससे पहले वाले परिवहन मंत्री वो भी कह रहे थे, तो क्या मिली? नहीं मिली। कहने का मतलब ये जो रास्ता वो निकालो ना, आप राजकीय घोषित कर दो, बवाल खत्म, तुरंत नौकरी मिल जाएगी। मंत्री साहब ने ये भी तो कहा था नेता बनो और जो है जाओ घर, नौकरी छोड़ दो, और इसका जवाब दे दीजिए सर। एक और नियम है, एक नियम है कि भाई विभाग में अगर पद खाली नहीं, ऐसा कुछ है कि आपको अन्य विभाग में समायोजित कर दिया था, तो आप हमको अन्य विभाग में दे दो ना, अन्य निगमों में दे दो, समायोजित कर दो, है तो सब मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट, आप हमको नगर निगम में दे दो, विद्युत निगम में दे दो जॉब, चाहे किसी सिंचाई भाग में दे दो, किसी भाग में दे दो, हम लोग को ऑब्जेक्शन नहीं, बस हम लोग को नौकरी चाहिए सरकारी। अरे सर बहुत बार हो चुकी है, कई बार हो चुकी है, एक परिवहन मंत्री से मिल के दोबारा हम लोग आए हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, आश्वासन मिला उसके अलावा कुछ नहीं मिला। कितने साल से आप लोग यहाँ पे या कहीं जहाँ भी आप लोग जाते हैं कितने साल से संघर्ष कर रहे हैं? सर 6 साल हो गया, किसी का 7 साल हो गया, किसी का 8 साल हो गया, 9 साल हो गया, बस आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। नहीं नहीं 2018 से 2016 से तो किसी को नहीं मिला है। जी सर हमारी परिवहन मंत्री से बातचीत हुई थी, वो 14 मार्च को हम मार्च में आए थे, तो मार्च में उन्होंने हमें सिर्फ कहा था आप 31 मार्च को आना, हम तुम्हारा काम पूरा कंप्लीट करके देंगे। आज हम मार्च को छोड़कर 100 दिन बाद आए थे, 18 जून से हमारा धरना चल रहा है, तब से मंत्री साहब आए थे 4 बजे आए थे शाम को,
18 तारीख को 4 बजे आए थे शाम को, लेकिन रात के 11 बजे कौन सी मीटिंग होती है, रात के 11 बजे हमें यहाँ बुलाया गया और हमारे अनाप शनाप बोल के निकल गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं की उन्होंने और निकल गए। और सिर्फ अभी भी यही कहा जा रहा है कि आश्वासन मिलेगा आपको, हम 7 साल हो गए हमको, मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, 7 साल से आश्वासन ही मिला जा रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई कैसी भी सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। हमारे प्रदर्शन का आज 7वां दिन है और जो है ये लोग तो भाई बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं, हम तो 2 साल हुआ है हमारा तो 2 साल, और अब इन लोगों के साथ हम भी आए हैं और जो है इन लोगों का संघर्ष देख के हम कहते हैं बताओ इतना दिन इन लोगों को जब नहीं मिल रहा है तो हमको कहाँ मिलेगा, तो भाई साथ में इनके रहेंगे ही। और जो है भाई अब तक तो सुनना चाहिए इन लोगों को, इतना दिन हो गया है कैसे अपना परिवार चला रहे हैं, किस हालात में चला रहे हैं हम लोग हैं, तो ये चीज़ तो इनको ध्यान देनी चाहिए। कब तक के सब कहीं तो ऐसा नहीं होता, सब कहीं तो भर्ती हो जाती है, आश्वासन का कुछ नहीं मिलता है, बस आश्वासन दे दिए धरना हटाए आप लोग हटा दीजिए, तो जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता तो कोई नहीं जाएगा, हम लोग गए थे मिलने के लिए नहीं कोई सुनवाई नहीं, बस वही आश्वासन कोई चीज हमको लिखित दे दें, हल्का से सब व्हाइट के कागज पर लिख के दे दें कि इस दिन का आप लोग कुछ होगा तो हम लोग तुरंत धरना बंद कर देंगे, लेकिन जब तक आश्वासन पर धरना बंद नहीं होगा। अनुशासन बता रहे हैं 1 तारीख से 15 अगस्त तक का कर देंगे, वो लिखित में हमको दे दें 1 तारीख से 15 तारीख तक का कर देंगे, नहीं कर दिया जाएगा ये लिखित में दें तभी हटेगा, अगर वो ये नहीं लिख के दे रहे हैं जब तक 1 तारीख, जहां इतने दिन हम लोग 6 सालों से भटक रहे हैं तो हम लोग जो है 1.5 महीने और बैठ लेंगे, 2 महीने बैठ लेंगे, 15 अगस्त को जो है झंडा रोहण करेंगे, आप नियुक्ति पत्र दे देना हम लोग घर चले जाएंगे, तब तक हम लोग यहीं। आपके कुछ साथियों का स्वास्थ्य भी खराब हुआ था, हमारी सबसे पहले तबियत खराब हुई, 3-4 दिन से हम बीमार हैं, हमारी माँ भी बीमार है, उनकी भी तबियत खराब है, हमारे पास खाने को नहीं है, यहाँ भाई लोग खिला रहे हैं, हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, कपड़े लाके दिए हमको, इतना स्थिति हमारी घर की खराब हो चुकी है, कुछ भी नहीं है, अम्मी बीमार है हमारी, कुछ नहीं हो रहा, बहुत परेशान है वो, अब हॉस्पिटल में अभी फोन करिए उनसे, और अम्मी यहाँ बीमार हो गए वो परेशान, हमारे घर से कोई नहीं अकेले आए, भाई ने पैसे दिए तो हम यहाँ गोला से यहाँ पर आ पाए, और हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, कुछ नहीं हो रहा, काली नियुक्ति मिल जाएगी, अब अभी बुलाया बस 15 तारीख तक 15 अगस्त तक का तुम्हारा हो जाएगा, ऐसे अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं यही मर जाएंगे, मगर नियुक्ति मिलकर आएंगे आपके से। सर कि हमारे जो हस्बैंड मान लीजिए गुजर गए, हमारा ससुर इसमें गुजर गए, हमारी सास है, हमारे दो तीन लड़कियां दो एक लड़का है, अब बताइए हम किस आधार से उन लोगों को हम पोसेंगे पालेंगे, उसको हम किस तरह से खिलाएंगे किस तरह से पिलाएंगे, अगर मान लीजिए हमारा तो जीवन इसमें व्यतीत खराब हो ही गया, क्या हम लड़कों को भी शिक्षित नहीं कर सकते हैं, अगर हमारे ये नियुक्ति दे देंगे तो हम लोग अपने बच्चों को अपने सुधार लेंगे ना, वो कर लेंगे, अब क्या हम लोग दर दर कर भटक रहे हैं, हमारे बच्चे भी भटकेंगे, है तो हमको बस यही चाहिए कि हमको भाई नियुक्ति दे दें, हम अपना लड़कों को कम से कम तो पोषण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय पर बीते 18 तारीख से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने विभाग से लिखित आश्वासन की मांग की है, उसके बाद ही अपना प्रदर्शन खत्म करने की बात कही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ मैं वीरेन्द्र पांडे, अमृत विचार, लखनऊ।